आज मैं आपको बता रहा हूँ आरबीआई कब बना था। आज आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका बना था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई बना था। अब इसमें इन्होंने जब भी बना था तो इन्होंने पेड अप कैपिटल कितना रखा था, 5 लाख रुपए, ठीक है। पेड अप कैपिटल मतलब ये 5 लाख रुपए से बैंक राष्ट्रीयकृत हुआ था, नेशनलाइज हुआ था। 1 जनवरी 1942 को हिल्टन यंग कमीशन की क्या हुई थी, रिकमेंडेशन हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन ने क्या करी थी, सिफारिश करी थी, ठीक है। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो सबसे पहले कहाँ हुए थे, कोलकाता में स्टार्ट हुए थे। इसके आरबीआई के जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे शुरू हुए थे, कोलकाता में स्टार्ट हुए थे 1937 में, ठीक है। 1937 में ये क्या बना था, मेंबर बना था, ठीक है। जो कोलकाता है, कोलकाता क्या है, आरबीआई का सबसे ज़्यादा बैंक में पैसा रखने वाला जो पहला स्टेट बना था, जो आरबीआई जिसमें शुरू हुआ था। और शुरू किन ने करा था, हिल्टन यंग कमीशन ने शुरू करा था। इसका लोगो जो है आपने देखा होगा, आरबीआई का लोगो क्या होता है, टाइगर होता है, और टाइगर के टाइगर, ठीक है, उस टाइगर अंडर पाम ट्री, जो शेर है वो कहाँ बैठा रहता है, पाम ट्री के नीचे बैठा रहता है, ठीक है। और ये शक्तिकांत दास ने क्या करा था, आरबीआई को, जो आरबीआई के जो 25 गवर्नर है वो कौन है आपके, शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जी क्या थे, आपके आरबीआई के 25th गवर्नर थे। अब आरबीआई का मेन काम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनी थी। आरबीआई का मेन काम क्या होता है, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको बना के रखना। मॉनेटरी पॉलिसी को कैबिनेट भी क्या करता है, आरबीआई की बैठक करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन साइड्स 3 आरबीआई की साइड से होते हैं, और 3 क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से होते हैं। मतलब टोटल कितने होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, और 3 किसकी साइड से होंगे, 3 आरबीआई की साइड से होंगे, और 3 क्या होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से मेंबर बैठते हैं। मतलब आरबीआई की जो भी कमेटी होती है उसमें क्या होते हैं, 3 तो आरबीआई की साइड से बैठते हैं, और 3 क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से बैठते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कास्टिंग वोट करता है, ठीक है। जब भी वोट बराबर दोनों जो दोनों तरफ से क्या होंगे, अगर वोट बराबर डलते हैं, मतलब 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 3 आरबीआई के साइड से अगर वोट इक्वल डलें तो क्या होगा, यस होगा। यस मतलब अब क्या होगा, इसके पैसे मार्केट में आने के लिए शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। जब वोट बराबर होता है तो ही क्या होगा, कोई भी चीज़ की कास्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब ये जो आपको मालूम ही है कि जो इंडिया में होता है, इंडिया में क्या होता है, जो कास्टिंग वोट होता है, भारत में क्या होती है, जो भारत की जो जीडीपी है वो कैसे कार्य करती है, 2 ± 4%, मतलब 2 से बढ़ेगी या तो 4 तक जाएगी या 2 से 2 तक तो रहेगी, और 2 से क्या होती है, प्लस माइनस, मतलब 2 से 4 बढ़ भी सकता है और 2 में से 4 घट भी सकता है। मतलब मिनिमम 2 रहेगी और मैक्सिमम 4 जोड़ेंगे तो 6% भी हो सकती है, मिनिमम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 4%। और क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन का टारगेट रखा जाता है। अब देश में इन्फ्लेशन कब आता है, इन्फ्लेशन जब आता है, जैसे जब क्या होता है, मार्केट में क्या होती है, कोई भी चीज़ महंगे दामों में बिक रही है, तो महंगे दामों में बिक रही है तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति क्या होगा, उस चीज़ को खरीदेगा नहीं, तो मार्केट में क्या होगी, इन्फ्लेशन मौजूद होगी। इन्फ्लेशन मतलब मंदी, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसलिए लिए करना पड़ता है, अगर इन्फ्लेशन नहीं करेगी तो लोग क्या होंगे, इजीलिए सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और सारी चीज़ें खरीदेंगे तो विदेशी लोग आके भी भारत के मार्केट से बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, आरबीआई के क्या होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब भारत की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना, मतलब 2 ± 4%, 2 से 4% तक बढ़ाना, और 2 तो रखना ही मिनिमम, तो इकोनॉमी को क्या करना है, उसको बढ़ाना है। सेकंड क्या करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई को क्या करना है, दिन पे दिन कंट्रोल करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए। तीसरा है क्या है आपका, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को क्या करना है, एक जैसे बना के रखना है। ये क्या होते हैं, आरबीआई के मुख्य काम होते हैं। क्या क्या होते हैं आरबीआई के मुख्य काम, पहले तो क्या होता है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करना पड़ती है। सेकेंड क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऐसा बैंक जो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया जाता है, ठीक है। जिसको भी बैंक लोन देता है, बैंकों को लोन कौन देता है, आरबीआई देता है, ठीक है। बैंक को गवर्नमेंट, जो भी जितने भी मेन जो बैंक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो भी छोटे छोटे बैंक होते हैं, इनको बैंक को लोन कौन देता है, आरबीआई देता है, ठीक है। और ये किसकी कौन सी पॉलिसी से होता है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसीज के द्वारा होता है।
ठीक है। आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। बैंकर्स बैंक मतलब जो सब बैंकों के ऊपर होता है उसको बैंकर बैंक कहा जाता है, ठीक है। और बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है। फॉरेन करेंसी होती है, आरबीआई में क्या होता है, फॉरेन करेंसी मतलब विदेशी पैसे भी मौजूद होंगे, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, सारी जो रिजर्व होता है, सारा जो विदेशी पैसा होता है वो क्या होता है, आरबीआई के पास, आरबीआई की कस्टडी में क्या होता है, रिजर्व होता है। इसके साथ फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, पैसों का एक्सचेंज, करेंसी का एक्सचेंज, ये सब भी किसके द्वारा होता है, आरबीआई का। तो ये अपने आरबीआई का क्या था, मुख्य काम था।